वेलकम अगेन। बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि सर आप अपनी जो स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं वो कौन से सॉफ्टवेयर से रिकॉर्ड करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे आपको मैं एक वीडियो लेके आ चुका हूँ। उनको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर जो रिकॉर्ड के लिए यूज़ करता हूँ वो है स्क्रीन ग्रैबर। ये एस थिंकर ब्रांड का सॉफ्टवेयर है स्क्रीन ग्रैबर। बेसिकली ये एक पेड सॉफ्टवेयर है क्योंकि क्रैक सॉफ्टवेयर बहुत बार हमारे पीसी को ही स्लो कर देते हैं, बहुत बार वो चलते चलते काम करना बंद कर देते हैं या फिर हमारी जो रिकॉर्डिंग होती है उसे करप्ट कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक पेड सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ जो है स्क्रीन ग्रैबर। अगर आप भी ये परचेज करना चाहते हैं तो अभी यहाँ पे चल रही है क्रिसमस की सेल, जिसमें आपको एस थिंकर के सभी प्रोडक्ट पे 50% तक का डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, गिव अवे भी हैं, जैसे कि 1 साल के लिए वीडियो एडिटर आपको फ्री भी दिया जा रहा है या फिर लाइफ टाइम आप $45 में उसे परचेज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अदर रिमेनिंग सॉफ्टवेयर की सभी डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो इधर $38 में हमको स्क्रीन ग्रैबर प्रीमियर देखने के लिए मिल जाता है। तो बेसिकली वन टाइम प्राइस है, वन टाइम प्राइस के बाद आपके लिए लाइफ टाइम आप इसे यूज कर सकते हैं, कोई ईयरली इसमें सब्सक्रिप्शन आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आ जाते हैं वापस हमारे स्क्रीन रिकॉर्डर के ऊपर। बेसिकली बहुत सारे इसमें फीचर हैं, तो चलिए इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन ग्रैबर आपकी स्क्रीन के सामने मैंने ओपन करके रखा है। सबसे पहला नॉर्मली ये स्क्रीन रिकॉर्ड के काम तो आता ही है, साथ में इसमें आप ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप नॉर्मल ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ तो स्क्रीन के साथ मेरी वो आवाज भी रिकॉर्ड हो जाएगी। एंड साथ ही में आप इसमें सिस्टम साउंड भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब सिस्टम का कोई आउटपुट आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गेम खेल रहा हूँ, गेम में मेरी गन का जो साउंड है तो वो भी इसके अंदर मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ, चाहे मैंने स्पीकर बंद करके रखा हो। ओके, तो अगर मेरा स्पीकर का कोई कनेक्शन ही ना हो, मेरे पीसी में कोई स्पीकर लगे हुए नहीं है, गन का साउंड है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, पर वो जनरेट हो रहा है, तो वो भी यहाँ पे वो रिकॉर्ड कर सकता हूँ। ओके, तो बेसिकली बहुत ही एडवांस है इसमें। साथ में आप मोबाइल स्क्रीन को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैसे सब होगा धीरे धीरे हम सब कुछ जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम वीडियो रिकॉर्ड से। तो बेसिकली सिंपल, एक क्लिक करना है वीडियो रिकॉर्ड, तो फुल स्क्रीन मुझे रिकॉर्ड करनी है या फिर मुझे रिकॉर्ड करनी है कस्टम स्क्रीन, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो बेसिकली कस्टम मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मुझसे ऑप्शन पूछ लिया जाता है, कोई रिजोल्यूशन हमने डिसाइड किया हो, फुल स्क्रीन करना हो या फिर कोई नया रिजोल्यूशन करना हो। ओके, तो नए में यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मुझे इतना पार्ट ही यहाँ पे स्क्रीन में रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ पे इतना पार्ट सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे माइक्रोफोन मुझे साथ में करना है, सिस्टम साउंड जैसे कि आपको मैंने बताया वो मुझे साथ में करना हो, तो सिंपली नीचे से ऑन ऑफ कर सकते हैं। अभी ये सब ऑन है, मतलब वो सब चीजें वहाँ पे रिकॉर्ड होंगी जैसे मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दूंगा। एंड यहाँ पे साथ में आपको एक वेबकैम का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेबकैम भी मेरा यहाँ पे ऑन हो चुका है। तो बेसिकली वेबकैम की अभी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी, आप दे समझ सकते हैं। अभी मैं नाइट में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अराउंड यहाँ पे 8 बज चुके हैं, तो इसलिए वहाँ पे वेबकैम की जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे इसलिए मैं वेबकैम को कर देता हूँ बंद। तो एंड यहाँ पे एक और चीज, वेबकैम के अंदर भी आप फोटो खींच सकते हैं। तो वहाँ पे सर्कल में जो आपको वेबकैम दिख रहा है, वापस से मैं इसे ऑन करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वेबकैम दिख रहा है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे टेक पिक्चर कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरी वेबकैम की मेरी फोटो वहाँ पे कैप्चर हो चुकी है। यहाँ पे एक छोटा सा आपने एक नॉर्मल एनिमेशन भी देखा होगा कि मेरी वहाँ पे पिक्चर कैप्चर हुई। तो इस तरह से यहाँ पे आप वेबकैम को भी एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्ड के साथ साथ आप अपना वेबकैम भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो के साइड में जहाँ पे आप उसे एडजस्ट करना चाहते हैं करके रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे सिंपल मैं रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक करूंगा, 3, 2, 1 एंड यहाँ पे मेरी रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है। तो बेसिक एक टाइम आता है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नॉर्मल मेन्यू मुझे देखने के लिए मिल जाता है जिसमें मेरा टाइम दिखा रहा है। तो इसका मैं एक बार फोटो भी खींच लेता हूँ कि अगर यहाँ पे विंडो रिकॉर्ड में बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो मेन्यू होता है वो शो नहीं करता है, तो इसलिए यहाँ पे मैं फोटो भी खींच लेता हूँ। अगर मेन्यू शो नहीं कर रहा होगा तो वो फोटो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारे स्क्रीन रिकॉर्ड की कि किस तरह से स्क्रीन रिकॉर्ड होता है। लेकिन इस सॉफ्टवेयर को सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्ड के लिए यूज नहीं करते हैं, बहुत सारे और भी काम है जिसमें हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अब मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है। ओके, तो यहाँ पे मैं मोबाइल के ऊपर क्लिक करूंगा, कौन सा मोबाइल है, एंड्रॉयड या iOS, वहां पे उसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल है, तो USB की मदद से भी कर सकते हैं एंड नॉर्मल हम वाईफाई की मदद से भी कर सकते हैं।
तो मैं करूंगा वाईफाई की मदद से। सबसे पहले मैं ऑन कर लेता हूँ अपने मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डर। तो मोबाइल में भी स्क्रीन रिकॉर्डर मैंने ऑन कर लिया, रिकॉर्डिंग चालू कर दी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एक सॉफ्टवेयर इसके लिए डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है फोन लैब मिरर। तो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है मैंने, इसे मैं कर देता हूँ ऑन। फोन लैब मिरर, तीन तरीके से हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल से। तो सबसे पहले डिटेक्ट नॉर्मल स्कैन करके हम इसे कर सकते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं मैंने अपने मोबाइल में स्कैनिंग चालू कर दिया है, नाम आ चुका है। तो सिंपली मैं कनेक्ट दबाऊंगा एंड यहाँ पे मेरा ये डिवाइस हो जाता है कनेक्ट। ओके, तो ये हो गया नंबर वन वे, इसे मैं करता हूँ डिस्कनेक्ट यहाँ से। ओके, सेकेंड जो हमारा तरीका आ जाता है वो आ जाता है पिन। तो यहाँ पे हम पिन से भी कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीसी में पिन दिखा रहा है, सेम पिन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 9436। यहाँ पे मैंने पिन डाल दी है तो यहाँ पे भी मेरा ये चालू हो चुका है हमारा मिरर होना। उसके बाद यहाँ पे एक और बार डिस्कनेक्ट करते हैं। थर्ड जो वे आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है QR। तो QR कोड से भी हम कर सकते हैं सिंपल। यहाँ पे कोई QR कोड लोडिंग हो रहा है तो यहाँ पे QR ओपन करके मैं इसे स्कैन भी कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे स्कैन किया तो यहाँ पे अब थोड़ी देर लोडिंग होता है, वो स्कैनिंग कनेक्शन बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये मेरा मिरर हो चुका है। ठीक है, तो इसे मैं कर देता हूँ फुल स्क्रीन ताकि आप बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे देख पाए। तो यहाँ पे अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो मेरा रिकॉर्ड हो रहा है लैंडस्केप में, अगर मैं यहाँ पे गेम खेलना चाहता हूँ तो क्या ये लैंडस्केप में रिकॉर्ड होगा? तो बिल्कुल नहीं। अब उसके लिए एक और एडवांटेज जो मैं आपको बता रहा हूँ जो बाकी सॉफ्टवेयर में आपको नहीं मिलता, आपने अगर रिकॉर्डिंग लैंडस्केप में चालू की है तो वहां पे आपका लैंडस्केप 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 ही रहता है। लेकिन इस सॉफ्टवेयर में आपको एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि जैसे ही आप कोई भी ऐसी एप्लीकेशन ओपन करते हैं जो लैंडस्केप में सॉरी जो पोर्ट्रेट में नहीं होती, जो लैंडस्केप में होती है, तो वो वहां पे लैंडस्केप ऑटोमेटिक मोड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। ओके, तो बहुत सारी एप्लीकेशन है जो हमेशा पोर्ट्रेट मोड में ही रहती हैं, लैंडस्केप में हमें अगर करना हो तो लैंडस्केप की एप्लीकेशन ओपन करके वहां से हमें उसे ऑपरेट करना पड़ता था। लेकिन इस एप्लीकेशन में हम डायरेक्टली लैंडस्केप में कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने गेम ओपन किया है, तो मिररिंग ऑटोमेटिकली वहां पे लैंडस्केप मोड में चली जाती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा गेम। अब मैं आपको एक बार थोड़ा छोटा सा एक गेम प्ले करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल भी लैग नहीं होता है, मतलब थोड़ा बहुत होता है, ना के बराबर लैग होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं गेम चालू हो रहा है दोनों जगह स्क्रीन में एंड यहाँ पे डेस्कटॉप पे, दोनों जगह गेम चालू है। एंड यहाँ पे जो लैगिंग का है आप देख सकते हैं भी मेरा प्लेयर मरा है, लेकिन उतना ज्यादा लैग नहीं हो रहा, दोनों एक साथ ही यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो चलिए थोड़ी देर 2 सेकेंड और हम इसे प्ले कर लेते हैं। तो यहाँ पे ओके, तो आप देख सकते हैं कि अब मैं यहाँ पे किल कर रहा हूँ, यहाँ पे जो सामने वाले प्लेयर हैं उनको मार रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा लैग बहुत ही मिनिमम ही रह रहा है, मेरा कोई मैक्सिमम लैग नहीं हो रहा। जो अदर सॉफ्टवेयर में आपको लैग देखने के लिए मिलते हैं उस टाइप का लैग यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो बहुत ही कम लैग के साथ बहुत ही शानदार सॉफ्टवेयर है ये। तो चलिए अभी हम इसे कर देते हैं बंद, यहाँ पे क्विट करता हूँ एंड डायरेक्टली अगर मैं यहाँ से होम आता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा ये मिररिंग पोर्ट्रेट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप इसे कर सकते हैं। और एक और बेनिफिट इसका आपको मैं बता देता हूँ कि आप इसी के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर मुझे स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है तो मुझे अलग से मोबाइल में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ यहाँ से रिकॉर्ड करना तो मैं यहाँ से रिकॉर्ड कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ इसका स्क्रीनशॉट लेना मैं डायरेक्टली यहाँ से ले सकता हूँ। मतलब बहुत बार आपके साथ ऐसा होता है कि आपके मोबाइल में सपोज अगर स्पेस कम है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे मिरर चालू करके यहाँ से स्ट्रीम भी चालू कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी चालू कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ से आप डायरेक्टली स्ट्रीमिंग भी चालू कर सकते हैं। अगर आप एक गेमर हैं, आप गेम खेलते हैं, तो यहाँ से आप डायरेक्टली स्ट्रीम चालू कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है स्पीकर का एंड स्क्रीन का एंड माइक का, तो तीनों चीज एक साथ यहाँ पे आप चालू करके अपना गेम प्ले स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे हमारा स्क्रीन ग्रैबर सॉफ्टवेयर पसंद आया होगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो, एक बार बता दो। तो यहाँ पे चलिए हमने बता दिया आपको कि मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ। तो एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, पेड सॉफ्टवेयर है, थोड़े से पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन जितना पैसा खर्च करेंगे सबका सब यहाँ पे वसूल होने वाला है। एंड स्पेशली यहाँ पे आपको एक गेम मोड भी मिल जाता है जो पीसी गेम के लिए वर्क करता है।
अगर आप कोई पीसी गेम खेलते हैं, गेम मोड ऑन करते हैं आप, तो डायरेक्टली आपका सिर्फ वो गेम की विंडो ही कैप्चर करेगा, उसके अलावा और कुछ कैप्चर नहीं करेगा। बहुत बार होता है आपके डेस्कटॉप पे कुछ पर्सनल फाइल पड़ी होती हैं एंड आपका जो गेम चल रहा होता है वो बीच में छोटी स्क्रीन पे चल रहा होता है, साइड में आप उसे मैक्सिमाइज करके गेम नहीं खेलते, आपकी कोई फाइल पड़ी है तो आपको डर रहता है कि वो फाइल भी कहीं ना कहीं दिखेंगी यूजर्स को, तो उस डर को भी खत्म कर देता है यहाँ पे सॉफ्टवेयर। आपको प्रोवाइड करता है यहाँ पे गेम रिकॉर्डर, ओके, एंड यहाँ पे एक एरर शो करता है कि गेम रिकॉर्ड करने के लिए आपको इसे एडमिनिस्ट्रेटर मोड में ऑन करना पड़ेगा। ओके, तो ये हम कैसे करते हैं, एक बार कैंसिल कर देता हूँ। सिंपली आप यहाँ पे राइट क्लिक करके, नॉर्मल हम ओपन करते हैं, डबल क्लिक में ओपन करते हैं, इसमें बस आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का आपको इसमें कमांड देना पड़ेगा, एंड सिंपली जब भी हम गेम रिकॉर्ड करते हैं तो इसमें भी ओके करेंगे तो वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली बंद होके वहां पे चालू हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे बंद होके वापस चालू हो रही है गेम मोड में, तो सिंपली मैं इसे कर देता हूँ स्किप, एंड यहाँ पे मुझे सिर्फ गेम सिलेक्ट करना है कि कौन सा गेम मैं यहाँ पे खेल रहा हूँ। ओके, तो गेम पहले आपको चालू करना है, सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको कर देना है सिस्टम साउंड, माइक्रोफोन ऑन, एंड आपका गेम प्ले चालू एंड रिकॉर्डिंग आपकी चालू हो जाएगी। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये स्क्रीन ग्रैबर सॉफ्टवेयर पसंद आया होगा। इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप डायरेक्टली डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे दी हुई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, अब मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो में।